If I'm losing now, but हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो धमाकेदार चीज आपके सामने आ चुकी है वो है आपके सामने यहाँ पर आपकी रिसर्च मेथड्स के लिए धमाकेदार सवालों की आपकी बुकलेट। ठीक है, तो इस बुकलेट को आप जो है आगामी आपका जो भी परीक्षा है, यूजीसी नेट की परीक्षा है या सेट की परीक्षा है या फिर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, आरपीएससी हो, एचपीएससी हो और कोई भी आपकी जो एग्जाम्स हैं जिसमें इस प्रकार के एमसीक्यू वाले सवाल आते हैं, उनसे संबंधित चीजें आप जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी तरह धमाकेदार तरीके से। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो है आपकी, अगर आप इस बुकलेट के ये जो 100 सवाल हैं अगर आप इनको लगा लेते हैं, देखिए जरूरी नहीं कि 100 सवाल आप लगाएं, आपको सारे के सारे 100 सवाल आपको बने। हो सकता है आपसे 20 बने, हो सकता है आपसे 30 बने, हो सकता है आपसे 50 बने, हो सकता है आपसे 80 बने, हो सकता है आपसे 90 बने। ठीक है, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पर कि आपको इनमें से कुछ भी सवाल बन रहे हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, तो उससे क्या करना है आपको, इस बुक का ये जो आपकी बेस्ट बुक, है आपकी, ये जो आप लोग चिल्लाते रहते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये जो किताब है आपको ये मदद करेगी आपका जो रिसर्च मेथड्स है और उसी के साथ साथ जो आपकी सांख्यिकी वाला पार्ट है, जो आपके स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसका आपका जो फियर है आपके एमिगडाला में, आपको जो ये डर है इसको यहाँ पर खत्म करने का ये काम करेगी। ठीक है, तो अगर आप ये इस प्रकार के चुनिंदा 100 सवाल लगा लेते हैं, देखिए आपको पहले ही बताया हुआ है आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, आपको ध्यान देना है क्वालिटी के ऊपर ना कि क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, 1000-1500 सवाल नहीं लगाने होते हैं, आप समझे इस बात को। ठीक है, आपको चुनिंदा 100-200-500 सवाल यहाँ पर लगाने होते हैं, है ना, किसी परीक्षा को अच्छे से करने के लिए और उसके सारे कंसेप्ट और सारी चीजों को समझने के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि अगर आप ये 100 सवाल कर लेते हैं तो आपका डर तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि कुछ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, जो चीजें आपके पास नहीं है, जो आपको मालूम नहीं है वो चीजें आपको मिले। हो सकता है आपने काफी सारी चीजें पहले से पढ़ के रखी हो, तो क्या होगा वो अगेन आपको यहाँ पर रिपीट होके मिलेगी। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपको वो सवाल लगाते बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 100 सवालों की आपकी अद्भुत श्रेणी, अद्भुत श्रृंखला, अद्भुत सीरीज यहाँ पर आप लोग के सामने आ चुकी है। तो इसको अगर आप चाहें तो अपने घर बैठे आप इसको यहाँ पर मंगा सकते हैं। कैसे क्या मंगाना है पूरी प्रोसेस अभी आगे आपको बताते हैं। देखिए मंगाएंगे इसमें तो आपका डेफिनेटली फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको क्या मिलने वाली है, जैसे ये बुकलेट स्टार्ट होगी कोई यहाँ पर किसी प्रकार की फालतू की बातें नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कि ऐसा है वैसा है, सीधे सीधे जैसे ही आप पहला वाला पन्ना पलटेंगे अगले पन्ने से आपके जो है सवाल नंबर एक से कहानी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, सवाल नंबर एक लगाना है, सवाल नंबर दो लगाना है, सवाल नंबर तीन लगाना है, ऐसे करते करते आगे जाएंगे आप सवाल नंबर 100 तक। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस एक दिन में ना करें आप, एक दिन में आप 10 सवाल लगाए, 15 सवाल लगाए, जिस भी प्रकार से आपका एग्जाम आ रहा है उस प्रकार से। ठीक है, तो इन सवालों को लगा लें आप पहले, उसके बाद क्या करें आपको लास्ट में इस प्रकार की आपको आंसर की दिखाई देगी। ठीक है, जैसे आपकी आंसर की आती है कि इसका आंसर डी है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर ए है, इसका आंसर सी है, इसका आंसर ए है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लास्ट में इन 100 सवालों की आंसर की मिलेगी। तो उस आंसर की से अपने आंसर्स को आप मैच करें, देखें आपने कहाँ पर गलती की है, आपकी गलती कहाँ पर हुई है, आपको क्या नहीं आ रहा था और क्या चीजें आपको और सुधार करनी चाहिए अपनी पढ़ाई के अंदर, या और आपको क्या चीजों का यहाँ पर नॉलेज लेना है आपने, या कहीं आपके नॉलेज का गैप हो रहा है, या आपको ये पढ़ा नहीं है आपने कभी ये। ठीक है, क्योंकि अधिकतर देखा जाए आपको तो आप यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक आप सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कहानी जो फंसती है कहाँ फंसती है, आपकी यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, क्योंकि ये आपने कभी भी प्रॉपरली पढ़ा नहीं है, पूरी कहानी आपकी 2 नंबर यूनिट के अंदर फंसती है। तो आपको ध्यान रखना है इसको, जितना आप इम्प्रूव करेंगे ठीक है वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, चाहे वो आपका सेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या आपका ईटीसी कोई भी एग्जाम हो, अभी तो ये पीएचडी एंट्रेंस भी हो चुका है नेट वाला ही। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हो आपको ध्यान रखना है, ये जो रिसर्च वाला पार्ट है ये एक मेजर रोल आपका जो प्ले करता है, आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, क्या क्या नहीं आती है। ठीक है, किस प्रकार से हाइपोथेसिस है, किस प्रकार से सैम्पलिंग है, वो सब आप जो पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सवाल आपके लिए क्यूरेट किए गए हैं यहाँ पे, ये 100 सवाल आपके कंप्लीटली आपके एनटीए बेस्ड पैटर्न पे है। ठीक है, तो जिस प्रकार से पूछता है आपसे 1 2 3 4 5 ओनली या उस टाइप से जो आपने देखा वीडियो के अंदर अभी, ठीक है, उसी प्रकार से आपके यहाँ पर फैक्चुअल सवाल भी है। ठीक है, कि सीधा सीधा पूछा गया है इसका क्या होता है, इसका क्या नहीं होता, तो ये पूरा यहाँ पर अमेलगेशन है, यहाँ पर पूरा यहाँ पर कंप्लीटली इसका मिक्सड है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, मिक्सड अप्रोच से, ताकि आप जो क्या कर सके, आपको यहाँ पे आपकी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी ये है कि जो लोग पहले से पढ़ के रखे हुए हैं उनकी यहाँ प्रैक्टिस हो, जो लोग नहीं पढ़ा है उनको यहाँ पर नॉलेज का फायदा मिले। ठीक है, नॉलेज का फायदा मिले, अगर आपको नहीं बन रहा है तो भी आपने लगाना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो नॉलेज आपको मिलेगा इस
बुक से आपको ये जो बुकलेट है ठीक है, इससे आपको जो नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिस तो होगी ही होगी आपकी, लेकिन जो आप गलतियां करेंगे गलतियों से आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपने इन 100 सवालों को सीख लिया तो आप मान के चलिए आपको किसी भी एग्जाम के अंदर आपके मनोविज्ञान के, आपके साइकोलॉजी के, जहां भी रिसर्च वाला पार्ट आएगा ठीक है, और जहां पे आपने ये 100 सवाल लगाए हुए हैं उनसे संबंधित कोई भी चीज अगर आपको टकरा गई तो आप भूले ना भटके, आप सामने वाले को भटका देंगे लेकिन आप वहां पे अपना जो आंसर है वो यहाँ पर सही करके आएंगे ठीक है। मेन दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि आप रिसर्च को, आपको जो है सवाल सॉल्व करने को मिलते नहीं है, और मिलते भी हैं तो आप जानते ही हैं कैसे मिलते हैं ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी के सवाल आप लगाए यहाँ पर ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कितना आपका ज्ञान है, आपको कितना बनता है, कितना नहीं बनता, कितना आपको रिविजन की आवश्यकता है यहाँ पर, और कितना आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है इसके अंदर ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखें, या तो आपकी प्रैक्टिस होगी अगर आपने पहले से काफी ज्यादा रिसर्च पढ़ के रखी हुई है तो प्रैक्टिस होगी काफी अच्छी आपकी, और मान के चलिए अगर यही सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे आप फिर, है ना, तो वहां तो आप सवाल गलत कर ही नहीं सकते एग्जाम के अंदर, तो जो नॉलेज का गैप हो रहा है आपका उसको भी यहाँ पर फिल करने की प्रयास करेगी ये जो बुकलेट है वो ठीक है। इस बुकलेट को इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि आपका जो नॉलेज है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो, वो आपका जो नॉलेज है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो, उसी के साथ साथ आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो ठीक है। सवालों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब आप आंसर देखेंगे तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर आपको उन्हीं सवालों से मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है या फिर ये नहीं होता है ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर विन विन की सिचुएशन है ठीक है, कि अगर आपको गलत हो रहा है तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर गलत हो रहा है किन्हीं किन्हीं सवालों के अंदर जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वाले ठीक है। तो इस बात का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड एक बार अगर आपने ये 100 सवाल लगा लिए ठीक है, अगर आपने एक बार ये 100 सवाल लगा लिए तो आप मान के चलिए आप जो है रिसर्च में है पहले से और बेहतर करना स्टार्ट हो जाएंगे रिसर्च मेथड्स के अंदर ठीक है, पहले से बेहतर करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए सवाल किस प्रकार से होते हैं ठीक है, एक सवाल आपको मालूम है आता है मीन के ऊपर, एक आता है मीडियन के ऊपर, एक आता है मोड के ऊपर ठीक है। अब इसके अंदर आप ये अपेक्षित ना करें कि ये मीन मीडियन मोड आपको निकालना सिखाया जाएगा ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल सा है, दसवीं में सीखते हैं आप ये चीज बात को, मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है ठीक है। नहीं आता तो उसको आप यहाँ पर गूगल कर लें कैसे इसको हम निकालते हैं ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं। लेकिन हाँ मीडियन टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, मोड अगर एनपीसी में बन रहा है तो कहाँ बनेगा, इस तरफ बन रहा है तो नेगेटिव होगा या उस तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, इस प्रकार की जो आपकी हाई डीपली नॉलेज वाली चीजें हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है, ताकि जिस प्रकार से एनटी आपसे सवाल पूछता है ठीक है, आपके एंट्रेंस को लेके या आपके नेट को लेके या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जो आपसे पूछा जाता है उसको आप इजीली टैकल कर पाए, उसको आप इजीली डील कर पाए। वो सब आपको देखने को ही मिलेगा कब, जब आप इस प्रैक्टिस सेट को आप लगाएंगे ठीक है, तब आपको ये करने के लिए भी मिलेगा। और फिर एग्जाम हॉल के अंदर आपको दिखेगा कि अच्छा हमने इस बुकलेट में यहाँ पर एक सवाल देखा था सवाल नंबर 50 और वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सवाल नंबर 20 को देखा था उससे संबंधित चीजें यहाँ पर पूछी हुई है। लेकिन ये कब होगा, जब आप ये बुकलेट को प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए मुमकिन होगा ठीक है। तो बुकलेट को प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए अगर आपको ये बुकलेट चाहिए है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर कोई बहुत ही सीरियस कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, नॉट फॉर दिस एग्जामिनेशन, केवल इस एग्जाम के लिए नहीं बट आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी बात हो रही है यहाँ पे ठीक है। क्योंकि ये जो बुकलेट है ये आपके देखिए फिजिकल फॉर्मेट में आएगी आपके पास में, तो फिजिकल फॉर्मेट में आती है तो चीज थोड़ी सी बेटर हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन ठीक है। तो फिजिकल फॉर्मेट में आएगी। अब सवाल कैसे हैं आपने देखा जैसे पेज में, जैसे ही आप पेज को पीटीओ करेंगे फर्स्ट वाला आपको यहाँ पर एक पेज मिलेगा ठीक है, देन इसको अगेन आप पीटीओ करेंगे देन आपको यहाँ पे सेकेंड पेज मिलेगा ठीक है। इसके पीछे नहीं लिखा हुआ है जैसे बाकी बुक्स में लिखा होता है ठीक है, ये केवल जगह बचाने के लिए, तो उस प्रकार से यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला है कि जब आप आंसर की चेक करेंगे ठीक है, तो आंसर की से आपको मालूम पड़ेगा अच्छा यहाँ पर हमने रॉन्ग किया है। तो अगर मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपने रॉन्ग किया है तो उसके सामने आप यहाँ पर पेज खाली है, वहां पर आप उसको लिख सकते हैं, वहां पर आप नोट कर सकते हैं, इतना यहाँ पर स्पेसिंग दिया हुआ है ठीक है। तो आप जब आप 100 सवालों के साथ ऐसा कर लेंगे तो आप सोचिए आपका नोट्स कितना ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर, आप खुद ही से बना लेंगे इतने सारे नोट्स यहाँ पर, बस केवल उसको सीख सीख के उसको देख देख के ठीक है। जो चीज आपके नॉलेज में है, जो चीज आपको मालूम है अच्छा आपने कहाँ मिस कर दिया, कहाँ नहीं मिस करना चाहिए था, वो सब चीजों को आप तुरंत के तुरंत वहीं पर आप नोट कर लेंगे उसी बुकलेट के अंदर ठीक है। तो ये जो बुकलेट आएगी आपके अंदर जिसके अंदर केवल आपके 100 सवाल हैं और जिसके अंदर केवल आंसर की है यहाँ पर दी हुई है, तो इसी को जब आप आंसर की से मैच करेंगे तो वहीं पर क्या करना है आपको अलग से कहीं नहीं लिखना है ठीक है। आप मान के चलिए रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स की जो आपकी तैयारी है इसको आपको अलग से कहीं नहीं लिखना है, उसी बुकलेट में बहुत जगह है ठीक है, आप इसको आराम से लिख लेंगे उसी फ्रंट पेज में या वहीं पर साइड में कहीं पर आप उसको बड़े ही आसानी से पेन पेंसिल हाइलाइटर जिससे भी आपको इस्तेमाल करना है
उससे आप बड़े इजीली वहां पर उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, देन क्या होगा, जब भी कोई नेक्स्ट एग्जाम आएगा या जब भी कोई आप फ्यूचर में कोई एग्जाम देंगे, एपी का देंगे या किसी का एग्जाम देंगे, तो आपको ये जो बुकलेट है हेल्प करेगी। रिसर्च मेथड्स का नाम आएगा तो क्या करना है, केवल ये बुकलेट उठानी है, इसके अंदर जो जो चीजें हैं वो पढ़ना है, और जो आपके मास्टर्स के या जो भी आपके नोट्स हैं रिसर्च से संबंधित उसको आपने करना है, और बस आपका रिसर्च का पूरा यहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप सवाल लगाएंगे आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो मुझे मालूम भी नहीं है, इसके बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ठीक है, तो उस प्रकार की चीजें जब आप एग्जाम हॉल में देखेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, आपको मालूम पड़ेगा अच्छा इस प्रकार से हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, ताकि आपकी जो है यूनिट नंबर सेकंड, जो बहुत ही बच्चों को तकलीफदायक होती है यूनिट नंबर सेकंड रिसर्च मेथड्स, वो आपकी देन सबसे कमजोर कड़ी नहीं, वो आपकी सबसे मजबूत कड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप 80-90% की एक्यूरेसी से आप यहाँ पर सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपने इसके लिए आपने इस बुकलेट के 100 सवालों को लगाना होगा, उसकी आंसर की चेक करनी होगी, आंसर की से अपने आंसर्स मैच करके उसको वहां पे फिर आपको ब्रेक डाउन करना होगा, तब आपके लिए ये और भी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये केवल इमेजिन करें कि आपने एक से लेकर 100 सवाल कर लिए एंड देन आपके रिसर्च के सारे सवाल सही हो जाए, हाँ ऐसा नहीं है, हो जाएंगे, 5 सवाल सही हो जाएंगे आपके, लेकिन अगर आपने ब्रेक डाउन वाली प्रोसीजर को अपना लिया तो आपके यहाँ पर 8 से 9 सवाल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी सीरियस कैंडिडेट के पास ये वीडियो है तो वो आपको मान के चलिए ये आपको लाइफ टाइम मदद करने वाला है, जब भी यहाँ पर हम रिसर्च की बात करेंगे। ठीक है, और फिर उसी बुकलेट में आप आगे जाके अपने जो पेजेस वगैरह हैं उसको भी वहां से आप ऐड कर सकते हैं उसी के साथ साथ। ठीक है, ऑल राइट, तो अब बात करते हैं, अब ये बुकलेट आप तक पहुंचेगी कैसे, आप तो रहते हैं जापान में, हम रहते हैं अमेरिका में, अब ये कहानी पहुंचेगी कैसे आप तक, तो इसके लिए देखिए आपको वाया हमारा जो पोस्ट है उसके द्वारा पहुंच जाएगी। तो आपने क्या करना है, अगर आपने बुकलेट ऑर्डर करनी है, बुकलेट कंप्राइजेस ऑफ, इस बुकलेट के अंदर क्या क्या है, आपके पास यहाँ पे 100 सवाल मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चंस, और इन्हीं 100 क्वेश्चंस के सटीक सटीक आंसर, कोई यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, ये सारे सवाल जो है हाईली मेड है, यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल अब जब भी आप देखेंगे ये कोई और कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट कर रहा होगा तो आपको मिलेंगे ये सवाल। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम देखेंगे इस प्रकार के सवाल अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, आपने पहले ही शायद ही एक या दो सवाल आपने ऐसा आपने देखा होगा रिपीट वर्ड टू वर्ड या कहीं कुछ, लेकिन उसके अलावा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, लेकिन उसके अलावा आपको जो सारे सवाल मिलेंगे आपको नवीन मिलेंगे। ठीक है, आप मान के चलिए सारे के सारे 100 सवाल जो यहाँ पर आपके लिए फ्रेश है, फ्रेशली मेड है, तो इसका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो 100 सवाल की बुकलेट मिलेगी आपको इसके अंदर, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है आंसर की दी जाएगी, एक से लेकर 100 तक जैसी आपकी आंसर की दी जाती है अन्य बुक्स में, उसी प्रकार से आप जो है इस आंसर की का फायदा उठा के एंड देन जब आप अपने नॉलेज के हिसाब से आपका जो नोट्स वगैरह हैं पुराने रिसर्च के उसको जब आप मिक्स करके इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। एंड मे बी इसके अंदर आप ऐसी चीजें भी देखेंगे जो आप लाइफ में पहली बार देखने वाले होंगे या पहले देखा होगा, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कैसे आपको उस प्रकार की चीजों के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना है। ऑलराइट, ओके, तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे स्टेप को आपको यहाँ पर ईमेल करना है, क्योंकि हमारी दूसरी टीम भी हैंडल कर रही है, तो ईमेल करना है आपको यहाँ पर। ईमेल कहाँ पर करेंगे, ईमेल करेंगे आप इस नेम से, @gmail.com। ठीक है, PSYCHOPROFESSORNET, ठीक है, एच नहीं है ये, एन है, NET@gmail.com। इस पे आप ईमेल करेंगे, ईमेल में स्टेटिंग अपना नाम, ठीक है, आपका जो पोस्टल एड्रेस है करेक्ट वाला उसको वहां पे मेंशन करना है, जहां पे आपका बाकी ऑनलाइन कुछ अगर ऑर्डर्स वगैरह आते हैं वहां पे आपको वो मेंशन करना है जहां तक पहुंच है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की, वो अपना जो पोस्टल एड्रेस है करेक्ट है, तो जो आपका एड्रेस यहाँ पर आएगा वही आपका यहाँ पर वैलिड होगा, वही आप यहाँ पर आपका मान्य होगा, एंड इसी एड्रेस पे आपको ये बुकलेट पोस्ट की जाएगी, अन्य किसी एड्रेस पे नहीं। ठीक है, तो बी केयरफुल, ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर भेजें, धन्यवाद बोल रहे थे, नहीं नहीं धन्यवाद नहीं, यहाँ पे अपना जो है एड्रेस आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक भेजें अपना, यहाँ पे बिल्कुल मिस ना करें, बाकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी अगर वो बुकलेट आप तक नहीं पहुंचती है तो। ठीक है, तो नेम भेजें अपना, अपना जो एड्रेस है पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे कोई रिसीव करेगा इस बुक को, बुकलेट को, वहां पे आप करें। ठीक है, देन अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी वहां पे मेंशन कर दें, ताकि मोबाइल नंबर से वहां पे डाल देंगे तो आपको अगर मान के चलिए एड्रेस नहीं मिल रहा है, जो भी आ रहा है वहां पे सज्जन व्यक्ति उसको अगर नहीं मिल रहा है तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको वो हैंडओवर कर देगा। ठीक है, हैंडओवर मिलने के बाद आपकी जो तैयारी है वहां से और तकड़ी स्टार्ट होगी, आप उसको जो है किताब को खोलेंगे, सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे, और ये सब जो आपको मिल रहा है कैसा मिल रहा है, आपको हैंड रिटन मिल रहा है। ठीक है, सारा का सारा हैंड रिटन है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इंडिजिनस फील आएगा, थोड़ा सा आपको देसी वाला फील आएगा यहाँ पर कि हाँ ये ऐसी ही राइटिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो राइटिंग से क्या होता है, आपको जो मेमोरी में आपके
वो जो जल्दी आपको फिक्स होता है आपको मेमोरी में, आपको जल्दी अपनी हैंडराइटिंग या दूसरे की हैंडराइटिंग तो पता नहीं, लेकिन आप खुद के जब नोट्स बनाएंगे तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो आपको ज्यादा स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो आपने लिखा हुआ पढ़ा, आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, वहां पे सारे अक्षर आपको एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कहीं पे यू ऐसे बना हुआ है, कहीं पे वी ऐसे बना हुआ है, कहीं पे पी ऐसे बना हुआ है, तो वो सब चीजें आपको जल्दी स्ट्राइक करती हैं और आपको एग्जाम हॉल में वो चीज मदद करेगी। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हैंडमेड है यहाँ पर, इसका आपने ध्यान रखना है। एंड फिर आपको जो है यहाँ पर 100 सवाल लगाने हैं, आपने 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, उनकी आंसर की चेक करनी है। और अगर आपने केवल इतना भी पढ़ लिया, केवल ये 100 सवाल भी आपने अच्छे से कर लिए, इतना भी पढ़ लिया, तो आपके अच्छे खासे सवाल सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने वहां पर ब्रेक डाउन किया चीजों को और तोड़ मरोड़ के पढ़ा उनको, जो आपके नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, अब 100 सवालों में सारी चीजें कवर हो सकती नहीं है, लेकिन जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है इसके अंदर कवर किया गया है, सारे के सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस से संबंधित हैं। ठीक है, चाहे आपका वो रिसर्च का पार्ट हो, चाहे वो हाइपोथेसिस हो, चाहे 1 टेल हो, 2 टेल हो, 15 टेल हो, कोई भी टेल हो, वहां पर सब चीजें इसके अंदर कवर की गई है। आपको और डीप में पढ़ने के लिए जो बुकलेट है ये आपको मोटिवेट करेगी कि अच्छा हमको तो अभी आता भी नहीं था, हमको और पढ़ना है इसके अंदर, और हमको इसके अंदर डीप डाइव 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 डीप डाइव डाइव डीप डाइव डाउन करना है, जो भी करना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा, लेकिन बुक आपके पास पहुंचे उसके पश्चात। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ईमेल करेंगे आपका इस एड्रेस पे, मतलब इस ईमेल एड्रेस पे अपना एड्रेस जो है पोस्टल वाला उसको वहां मेंशन करेंगे, उसी के साथ अपना जो मोबाइल नंबर है वो वहां पर भी डाल दें। देन उसके बाद आपको जो करना है अगला काम, और वो अगला काम क्या है, वो अगला काम है आपके लिए यहाँ पर पेमेंट का। ठीक है, तो पेमेंट देखिए इसके लिए बहुत ही नॉमिनल रखी गई है एज कम्पेयर टू अवर कोर्सेज जो बहुत ही हाई प्राइस होते हैं। इसकी जो पेमेंट है करना है आपको ₹149 ओनली, है ना, मतलब ₹150, इतना तो आप जो है किसी टेलीकॉम का रिचार्ज कराते हैं आप एक मंथ के लिए। ठीक है, तो आप उसको समझिए यहाँ पर। ठीक है, ये आपको करना है यहाँ पर, प्लस आपका यहाँ पर ₹99 का यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस है। आप जानते हैं इंडिया है ना, इंडिया में ढोल से महंगा जो है नगाड़ा होता है, मतलब जो कहावत है वो। ठीक है, आपको डिलीवरी आपको जो है ज्यादा लग जाती है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये ₹99 की आपकी डिलीवरी है और ₹149 का ये है, तो इन दोनों को कंबाइन करके जो भी आपका टोटल आता है वो आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट कब कहाँ करनी है, पेमेंट करने के लिए आप जब वो जो आप मेल करेंगे उसके पश्चात आपको वहां पर बताया जाएगा कि आपने जो आपको जो है कहां पर पेमेंट कर दी है, वहां पर आप पेमेंट करेंगे। एंड देन वहां पे आप फिर वेट करेंगे कंफर्मेशन का, जैसे ही आपका ऑर्डर यहां से डिस्पैच हो जाएगा तो आपको वहां पर ईमेल कर दिया जाएगा कि आपका ऑर्डर आ गया है, ऐसा ऐसा है, तो आप उसको यहाँ पर रिसीव कर लें प्रॉपर तरीके से। राइट, ओके, ऑलरेडी यहाँ पर 4-5 ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, मतलब उन्होंने कर दिया है। जल्दी आपका जो नेक्स्ट डेट है वो आपकी 29th है, पहले भी शायद वीडियो बताया था 29th को, यानी कि 2-3 दिन बाद आपका ये फिर से फ्रेश ऑर्डर आपके यहाँ पर प्लेस होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो एग्जाम आने वाला है जून का आपका एपी का, या फिर आपका जो एग्जाम आने वाला है नेट का, ठीक है, इसके पहले आप जो है इन सवालों को देखें, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो जो कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ सवाल किस प्रकार से आते हैं उनकी प्रैक्टिस भी है, प्लस यहाँ पर नॉलेज भी है, यानी कि जो आप सीख रहे हैं उसी को अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ पे आप कर पाएंगे दोनों चीजें, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एग्जाम के अंदर आपको सवाल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आप जो है ईमेल करें, जो एड्रेस मेंशन है उस पे, उस ईमेल एड्रेस पे अपना पोस्टल एड्रेस भेजें जो आप जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पे आपको एक बुकलेट रिसीव करनी है वो, साथ में आपका नाम और साथ में आपका मोबाइल नंबर। देन सेकेंड नंबर पे आपको यहाँ से बताया जाएगा कि आपको पेमेंट कहाँ पर करनी है, उस नंबर पे आपने जो है यहाँ पर पेमेंट करनी है, जो भी मेथड आपको बताई जाएगी वहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट कितनी करनी है, 149 आपका बुकलेट का प्राइस है। ठीक है, और आपको लाइफ टाइम मदद करने वाला है अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो, एंड प्लस आपका यहाँ पर 99 आपका डिलीवरी चार्ज, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको जो है यहाँ पर पेमेंट करनी है। एंड देन थर्ड स्टेप पे आपको जो है यहाँ पर जब ऑर्डर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा तो वहां से आपका आपका डिस्पैच हो जाएगा, हमारी अंग्रेजी भी, जब डिस्पैच हो जाएगा आपको तो आपको वहां पर कंफर्मेशन का मेल मिल जाएगा कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है। एंड आपको जो है 7 से 8 दिन, 5 से 7 दिन वर्किंग डेज जो है आपके, उसके अंदर आपको घर तक पहुंच जाएगा। एक चीज का ध्यान रखें यहाँ पे कि सर हमारे पास पहुंचा नहीं, हम पड़ोसी की शादी में चले गए थे और बारात चली गई थी तो हम वहां चले गए थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जो एड्रेस मेंशन करेंगे वहां पे वो सज्जन व्यक्ति आएंगे और वो देंगे, आप वहां पे उपस्थित रहें, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ऑर्डर अगर कहीं भी यहाँ वहां जाता है, बुकलेट कहीं भी डिस्प्लेस होती है, यहाँ पर मिसप्लेस होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो जब आपको हमारी तरफ से मेल आ जाए कि आपका जो ऑर्डर यहाँ से जा चुका है तो आप अलर्ट पे हो जाएं कि अब अगले 5 से 7 दिन में आपको फोन आता होगा या इस प्रकार की चीजें आपके साथ होने वाली है, आपका ऑर्डर होने वाला है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर उस चीज का ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, ओके, एंड आप सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की, एंड अच्छे से आप जो है इस बुकलेट का इस्तेमाल करेंगे। जो भी इस बुकलेट का यूज करेगा अच्छे से, उनके नंबर इंक्रीज नहीं, डेफिनेटली उनके जो है नंबर इंक्रीज होंगे, प्लस यहाँ पे नॉलेज भी मिलेगा काफी ज्यादा,
तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, बिकॉज नॉलेज इज पावर। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपने केवल एग्जाम खत्म किया और बुकलेट हमारी जो है फाड़ के फेंक देंगे आप, नहीं ऐसा नहीं करना है, वो आपके नुकसानदायक है। बुकलेट आपको ये नेट पास कर लेंगे आप तो आगे जेआरएफ के लिए, जेआरएफ पास कर लेंगे आप तो आगे आपकी रिसर्च के लिए कहीं ना कहीं काम आएगा, ये कर लेंगे कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कहीं ना कहीं अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहां तक भी आपको ये काम आएगा, वहां तक भी आपको जो सवाल है आपको ये जो है आपकी रूह को जगाते रहेंगे और आपको हमारी याद दिलाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप इन 100 सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है वहां पर जाके सही आंसर्स को जगाते रहेंगे एग्जाम हॉल के अंदर, है ना, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ऑलराइट, ओके, तो आप लोग जो कह रहे थे बेस्ट बुक बेस्ट बुक बेस्ट बुक, तो बाकी का तो पता नहीं लेकिन आपकी रिसर्च की तो डेफिनेटली आ चुकी है, रिसर्च मेथड्स आपकी जो शोध प्रविधि है इसकी यहाँ पर आपकी कंप्लीटली बेस्ट बुक आ चुकी है ना, पीवाईक्यू नॉट पीवाईक्यू आपकी एमसीक्यू बुकलेट जो है आपकी यहाँ पर, ये आपके लिए बेस्ट है, इसको आपने कर लिया तो जो करेंगे वो बताएंगे आगे जाके अभी, ठीक है, इसको अगर आपने कर लिया तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी का मसला तो रहा नहीं है अभी, ठीक है सर, हमको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है ना, हिंदी अंग्रेजी तो कुछ है नहीं यहाँ पर, आपको एग्जाम हॉल के अंदर यहाँ अंग्रेजी में देखना है या हिंदी में देखना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर प्राच्छन्न देखेंगे या फिर आप जो था वो फैकेड वगैरह उसको देखने वाले हैं, ठीक है, थीके? तो इंग्लिश में हिंदी में कोई फर्क रहा नहीं, तो हिंदी वाले भी जो है इसको अवेल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं इस बुकलेट का। सवाल तो आएगा लेकिन आपको मालूम है अगर आपने यहाँ समय रहते सही चीजों को पढ़ लिया तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ऑलराइट, ओके, तो ये 100 सवाल आपके रिसर्च की कहानी को पूरा का पूरा तो नहीं क्योंकि और भी चीजें होती है पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ आपको एक अच्छे स्तर तक ले आएंगे, किस प्रकार के सवाल आते हैं, कहाँ आपके नॉलेज का गैप है, वो सब चीजें आपको ये जो है आपको सन यहाँ पर ये सिखा देगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च को आपने और डीप में पढ़ना है और चीजें अपने और सीखना है, इसके साथ साथ आपको ये टेस्ट लगा के अच्छा लगता है, मजा आता है, आपको रिसर्च में और डीप डाइव करना है, डीप डाइव डाउन करना है, जो भी करना है, डीडीडी, ठीक है, तो करना है, तो उसके लिए आप जो है हमारा फुल कोर्स जो है उसको भी यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी प्राइस जो है आपकी यहाँ पर ₹17,500 है यहाँ पर, ठीक है, उसमें आपको ये जो बुकलेट है ये मिल जाती है उसी के साथ साथ, ठीक है, बुकलेट मिल जाती है और आगे जो भी है आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह वो भी आपको मिल जाएंगे आपके एड्रेस के ऊपर, ठीक है, लेकिन 17,500 ये आपकी जो प्राइस है ये आपकी फुल कोर्स की है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन आपके लिए यहाँ पर केवल 149 में आपकी ये बुकलेट है, प्लस आपके जो यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस हैं उसके साथ आप इस बुकलेट को अवेल कर सकते हैं, और रिसर्च मेथड्स के आपके जो मार्क्स हैं आपके नेट एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक्सेट्रा, कोई भी साइकोलॉजी का एग्जाम हो, सवाल आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया हो तो आप यहाँ पर लाइक करें, कुछ अगर आपके डाउट वगैरह हैं तो आप कमेंट मत करें, मतलब कर सकते हैं, है ना, डाउट हो आपको तो, और नहीं है तो फटाफट मेल करें, ऑर्डर लें अपना और इसको जो है फटाफट जो है इसको लगाना तैयार करें। आप खुद ही बताएंगे कि आपको जो है किस प्रकार से ये हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो फिर आपको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बात करेंगे हम इसी बुकलेट के बारे में नहीं, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। जो लोग बुकलेट अवेल करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग भी अवेल करें, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये 149 है ना, और वो थोड़ी सी नुकसानदायक आपका डिलीवरी चार्जेस, ये आपको जो है आप माने चाहे ना माने आपको लाइफ टाइम मदद करेगी, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो, ठीक है, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको ये हमेशा मदद करेगी। इसी के साथ अब बात करेंगे लाइफ को एंड करने की, लाइफ को एंड करने की बात कौन करती है, क्यूबलर रॉस। क्यूबलर रॉस ने बताया है अपने मॉडल के बारे में, इसका निमोनिक है डाबडा डिनायल एंगर बार्गेनिंग डिप्रेशन और फिर एंगर, मतलब जो भी है, ठीक है, डाबडा मॉडल है क्यूबलर रॉस का, ये आपकी जो है ओल्ड एज में आपको देखने मिलता है, आपको जो है बोलते हैं कि नहीं हमारी मौत नहीं आने वाली है और वो सब चीजें, ठीक है, तो आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार से आपको रिसर्च मेथड्स में आपको पढ़ने में मौत ना आए तो यहाँ पे आपको जो है इस बुकलेट का फायदा उठाना है। बहुत हो गई बुकलेट, अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, और फ्री लेक्चर की प्लेलिस्ट देखते रहें, धन्यवाद।